हाय एवरीवन एंड वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। बात कर रहे हैं हम चैप्टर 5 की और उसी को कंटिन्यू करते 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 टुडे इज द लास्ट लेक्चर फ्रॉम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स व्हिच इज योर फैमिली लिलिएसी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फैमिलीज। सबसे सुंदर फ्लावर्स जो होंगे वो आपको लिलिएसी में काफी सारे मिलेंगे। लिलिएसी ऑब्वियसली लिली से रिलेटेड है। वी ऑल नो वट अ लिली फ्लावर लुक्स लाइक। नाउ दीज आर सम फ्लावर्स That you get to see, ठीक है, जो आपको लिली एसी में मिलेंगे। दिस इज ऑब्वियसली योर ट्यूलिप। ये जो है ये एलोवेरा का फ्लावर है, एलो जो होता है उसका फ्लावर है। सो हाउ एक्साइटिंग इट इज टू बी स्टडिंग ऑल ऑफ दिस। अच्छा, आई होप यू हैव सब्सक्राइब ना, एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आपको यहां पहुंचने में देरी ना हो, ठीक है। नाउ लिली एसी, व्हेन वी टॉक अबाउट लिली एसी, ठीक है, लिली एसी एक ऐसी फैमिली है जिसमें लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू बहुत प्यारे प्यारे बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, राइट। नाउ कॉमनली कॉल्ड द लिली फैमिली इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट्स। मोनोकॉट्स जहां बात आ गई आप आंखें बंद करके क्या कह सकते हो, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। यहाँ पे मोनोकॉट की बात हो रही है, कॉटिलेडॉन्स दोनों जो हैं एब्सेंट है। एक कॉटिलेडॉन होगा वो भी छोटा होगा। मेजर पोर्शन क्या होगा, मेजर पोर्शन होगा आपके एंडोस्पर्म का, राइट। सो दिस इज यू नीड टू रिमेम्बर द फर्स्ट थिंग। जैसे ही मोनोकॉटिलेडॉनस आया, सी इसीलिए हमने जो अभी तक पूरी इतनी दुनियादारी पढ़ी है वो इसीलिए पढ़ी है ताकि जब आपके सामने इस तरीके के वर्ड आए आपको ये रिलेट करना आसान हो, ठीक है। पैरेलल वेनेशन, रूट कैसी है इसकी, फिर उसके बाद में आपका एंडोस्पर्म है, हाउ Does it form? Maize seed को अगर आपने याद कर लिया, you are sorted, ठीक है? Now, it is distributed worldwide. हर जगह, पूरी जगह आपको लिली के फ्लावर्स, लिली जैसे फ्लावर्स, लिली ऐसी फैमिली के फ्लावर्स आपको मिलेंगे। ट्यूलिप्स यू मस्ट हैव सीन पहले स्विट्जरलैंड में होते थे, बट इन इंडिया नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो ग्रोइंग ट्यूलिप्स, सो यस दे आर अवेलेबल ओवर हियर। एलोवेरा तो घर घर में मिलता है ना, और एलोवेरा को आप कंटिन्यूसली ग्रो करते रहोगे, यू विल ऑल्सो गेट टू सी अ लॉट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, अलग अलग कलर्स के भी कभी कभी होते हैं। सो एलोवेरा उसमें भी आपको कई सारे फ्लावर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि हम ये फैमिलीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो फ्लोरल कैरेक्टर तो हमको डिस्क्राइब करना ही है, राइट। बट उससे पहले लेट अस जस्ट सी सम मोर पॉइंट्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, पेरेनियल हर्ब्स। पेरेनियल मतलब ये आपके कभी भी विदर नहीं होते हैं, ये आपके कभी भी ऑटम में, जैसे बाकी के आपके प्लांट्स होते हैं, बाकी क्या आपके ट्रीज होते हैं, वो जिस तरीके से झड़ जाते हैं उनके पत्ते, इनके साथ वैसा नहीं होता है, ठीक है। दे एक्चुअली गो ऑन टू कंटिन्यू। एलोवेरा, एलोवेरा को कभी आपने देखा है कि एलोवेरा का प्लांट था, सूख गया, फिर स्प्रिंग आई, देन इट्स स्प्राउटेड? नो, इट रिमेन्स एज इट इज। सो ये होते हैं आपके पेरेनियल प्लांट्स, हमेशा एज इट इज बने रहने वाले। अंडरग्राउंड बल्ब्स और कॉम्स एंड राइजोम्स। अच्छा, यहाँ पे जो है आपने ट्यूलिप के भी बल्ब्स देखे होंगे। जब आपको ट्यूलिप ग्रो करना होता है आप उसकी कलम नहीं लगाते हो, ठीक है, आप इसकी स्टेम कटिंग नहीं लगाते हो। दे आर बल्ब्स ऑफ ट्यूलिप्स व्हिच यू सोक एंड देन यू पुट अंडर द सॉइल, और वहां से वो आपका जो ट्यूलिप है वो ग्रो करता है। तो ये जो है ये क्या है आपके बल्ब्स, कॉम्स, या जिनको हम राइजोम्स भी कहेंगे ना। व्हेन यू टॉक अबाउट राइजोम्स, राइजोम्स कहेंगे रूट्स का हिस्सा, राइट। चलें, लीव्स मोस्टली बेसल, alternate linear stipulate with parallel venation. Parallel venation तो यहीं से आपको confirm, आंखें बंद करके stipulate, अगर आप देखोगे, आपने कभी इसकी लीव देखी है या आपने एलोवेरा की लीव देखी है, ठीक है। अच्छा, एलोवेरा में एक और कैरेक्टर मिलेगा कि इसकी लीव में छोटे छोटे से स्पाइन्स में लीव्स क्या स्टेम छोटे छोटे से आपको थॉर्न्स टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, वो मॉडिफिकेशन है उसका। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लीनियर, ऑल्टरनेट एंड लीनियर, इनकी लीव्स जो होती हैं वो जनरली इस टाइप की होती हैं, ठीक है। अगेन ऑल्टरनेट, ठीक है, ये वर्ड्स जो हैं याद रखिए, मीनिंग याद रखिए, इजी रहेगा। नाउ वी आर कमिंग बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज योर फ्लोरल फॉर्मूला। जो मेन हम फैमिली का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, जो हम मेन चीज देख रहे हैं वो इसी के लिए देख रहे हैं, फ्लो चार्ट के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीज दिख रही है वो है आपकी फ्लोरल फॉर्मूला। चलिए लेट्स जस्ट ट्राई कि हम समझ पाते हैं कि नहीं। ब्रियार, ब्रैक्टेट, याद है ब्रैक्टेट मतलब अगेन बोगनविलिया में जो वो कलरफुल से, लेट मी जस्ट यूज अ पेन, ओके, इस तरीके से है ना,
जो स्ट्रक्चर था आपका बोगनविलिया में वो हो जाएगा. दिस इज योर ब्रैक्टिएट. सो ब्रैक्टिएट की प्रेजेंस, BR की प्रेजेंस बता रही है कि ब्रैक्ट्स है. एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जो है आपका, इट कैन बी कट इन टू प्लेन्स एनी वेज, कहीं से भी काट के. ठीक है. बाइसेक्सुअल यानी कि आपका जो प्लांट है इट कंटेन्स योर एंथर्स, इट ऑल्सो कंटेन्स योर कार्पेल. ठीक है. नेक्स्ट पी लिखा है. अब ये पी का मीनिंग क्या था, किसी को याद है? पी मीन्स पेरियंथ, नॉन ग्रीन कैलिक्स, राइट? प्लस इट इज फ्यूज्ड विद योर एंथर. नाउ 3+3, 3+3, 3 के मल्टीपल्स में है ये, राइट? गाइनोशियम अगेन 3 लिखा है उसके आगे, यानी आपका जो कार्पेल है वो 3 इन नंबर है. सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर लिलिएसी फैमिली. ठीक है, क्या कह रहे हैं? इन्फ्लोरेसेंस इज सॉलिटरी, साइमोस, ऑफन अम्बेलेट क्रिस्टल. नाउ अम्बेलेट क्रिस्टल जो होते हैं आपके अम्बेली फेरी से आते हैं, जो इस तरीके से होती है कुछ. ये हो गया आपका अम्बेल. सो ये आपकी एक तरीके की क्या है, दिस इज ऑल्सो योर काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. ठीक है. फ्लावर बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक. ऑलरेडी हमने ये गेस कर लिया कि ये हमारा ब्रैक्टिएट है, प्लस एक्टिनोमॉर्फिक है, प्लस बाइसेक्सुअल है. सो ये चीजें हमको ऑलरेडी पता चल चुकी हैं कि दिस इज योर एक्टिनोमॉर्फिक. पेरियंथ, टेपल इज 6, 3+3, often united into tube, valvate, estivation. Estivation, placentation, ये वो चीजें हैं जिससे हमको पता लग सकता है कि स्ट्रक्चर किस टाइप का है. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑब्वियसली जब ये दीज बिलोंग दे पेरियंथ आ गया, जहां पे वहां पे आपकी कैलिक्स की जो पार्ट था वो खत्म, सेपल्स नहीं कहलाएंगे अब यहाँ पे, यहाँ पे आपकी टेपल्स कहलाएंगे, बिकॉज दे आर लाइक पेटल्स, कलरफुल, है ना? पेरियंथ का मीनिंग ही यही है, पेरियंथ का मीनिंग यही है कि आपका कैलिक्स वाला रोल जो था अब वो प्ले नहीं होगा, है ना? उसकी जगह पे आपके टेपल्स आ जाएंगे एंड दीज आर गोइंग टू बी कलरफुल. सो यहाँ पे आपका जो पेरियंथ है, ठीक है, जो आपका पेरियंथ है इट इज कलरफुल एंड इट इज 3+3, यानी टोटल कितने हैं? 6. एंड्रोशियम, स्टेमिन 6, 3+3, एपिटेपैलस. नाउ दिस इज फ्यूज्ड विद योर पेरियंथ. एपीफाइलस कैलिक्स के साथ था, एपीपेटालस कोरोला के साथ था. तो यहाँ पे जो आपका हो रहा है किसके साथ फ्यूज्ड है? दिस इज फ्यूज्ड विद योर पेरियंथ, तो इसको हम कहेंगे एपीटेपैलस. टेपल्स कहा है ना हमने, कलरफुल आपकी जो पेटल लाइक स्ट्रक्चर है इसीलिए. गाइनोशियम इज ट्राई कार्पिलरी, ट्राई 3. सिंकापिस दे आर फ्यूज्ड. ओवरी इज सुपीरियर, ट्राइलोक्युलर विद मेनी ओव्यूल्स, एक्साइल प्लेसेंटेशन. ये आपका पूरा जो पोर्शन है, ये आपकी आपकी जो गाइनोशियम है उसको पूरा डिस्क्राइब करें कि ओवरी सुपीरियर है यानी हाइपोगाइनस सिचुएशन है, ओवरी सबसे ऊपर बैठी है, उसके बाकी के जो वर्ल्स है वो नीचे से जा रहे हैं. ठीक है. लोक्यूल्स कितने हैं, एरियाज डिवाइडेड कितने हैं, बहुत सारे आपके क्या हैं, ओव्यूल्स हैं, नंबर ऑफ ओव्यूल्स लिखा हुआ है. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो आपका गाइनोशियम या आपकी जो ओवरी का स्ट्रक्चर है वो पता चल रहा है. फ्रूट, दीज आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैप्सूल्स, वेरी रेयर आर बेरीज. बेरीज यानी फ्रूट, यू मस्ट हैव ऑल सीन बेरीज, जो हमारी स्ट्रॉबेरीज होती है, वही नहीं, इवन बनाना इज अ बेरी. ठीक है. सो उस टाइप के बहुत रेयर होते हैं. मेनली जो होते हैं वो होते हैं आपके कैप्सूल्स. ठीक है. नाउ सीड एंडोस्पर्मस, हमें पता है क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे हमें पहले ही बता दिया था कि ये तो जी मोनोकॉट है. अब मोनोकॉट है तो हमें पता है कि मोनोकॉट जहां वर्ड आ गया, इसका मीनिंग है कि आपके कॉटिलेडॉन्स जो है वो एक ही होगा, और वो भी बेचारा बहुत सिकुड़ा पिकड़ा सा होगा. मेजर पोर्शन जो लेके बैठा होगा वो आपका एंडोस्पर्म लेके बैठा होगा, एंड एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड द फूड सो दैट द सीड ग्रोज. सो यहाँ पे जो सीड है आपका कैसा है? एंडोस्पर्मस, राइट? चले. इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल्स, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, देख के बड़ी खुशी होती है. ट्यूलिप, ग्लोरियोसा. सोर्स ऑफ मेडिसिन, एलो. वेजिटेबल्स, एस्पेरागस एंड कॉल्चिसन, कॉल्चिकम ऑटमनेल. सो ये हैं आपकी लिलिएसी फैमिली के कुछ कैरेक्टर्स, कुछ स्पेसिफिक चीजें, जनरल डिस्क्रिप्शन. फ्लोरल जो हम अभी तक बता रहे हैं कि फॉर्मूला जो होता है वो कैसा होता है. नाउ इन ऑर्डर टू सी इट मोर क्लियरली,
हम लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस इज ऑल योर लिलिएसी फैमिली, राइट। सबसे पहले अगर आप वहां देखोगे, यहाँ पे हम किसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट अनियन ओवर हियर, ठीक है, हम यहाँ पे अनियन की बात कर रहे हैं। बल्ब्स हैं, ठीक है। देन अगर एंथर्स देखोगे आप, दे आर फ्यूज विद योर टेपल्स, हाउ मेनी, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। अम्बेल टाइप की, जो मैंने आपको कहा था अम्बेल टाइप की, यहाँ पे आपको इन्फ्लोरेसेंस दिखेगी। एंड लास्टली दिस इज योर मेजर फ्लोरल डायग्राम, जो आपको याद रखना है। 3+3 की बात की थी, 1, 2, 3, 1, 2, 3, और एक्सिस यहां से जुड़ी हुई है, राइट। सो अगर हम पीछे जाके देखें, जो अभी तक हमने यहाँ डिस्क्राइब किया था, जो अच्छे से हमने समझा था, वो पूरा का पूरा आपको वहां देखने को मिलेगा। नाउ जस्ट इमेजिन, अनियन ऑल्सो बिलोंग्स टू व्हाट, लिलिएसी, ठीक है। सो ये है हमारी लिलिएसी का एंड। इसके साथ ही ये है हमारे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के चैप्टर का एंड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद अनदर चैप्टर। सो नेक्स्ट टाइम जब आपसे मिलूंगी, मैं लेके आऊंगी नया चैप्टर। उसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आप तक पहुंच जाए, ठीक है। अब मेजर टास्क जो मैं आपको देने वाली हूँ, क्या है, पूरा चैप्टर पढ़ना है एनसीईआरटी से, नोट्स बनाने हैं खुद के, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पढ़ लिया, नोट भी बन गए, अब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फ्लोरल चार्ट वाली जो चीजें आएंगी, डायग्राम जो आएंगे, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। मेजर टर्म्स जो हैं, अब वो इस तरीके से नोट्स बनाइएगा कि आपको बार बार पीछे जाके देखना ना पड़े। मोनोकॉट आया क्या है, ठीक है, एंडोस्पर्मस क्या है, एपिफाइलस क्या है, जो ओवरी है वो सुपीरियर कब होगी, ये बार बार पीछे ना जाना पड़े। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में डायग्राम्स बनाइए, चार्ट्स बनाइए, टर्म्स लिखिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। आई सी यू सून विद अनदर चैप्टर। कीप रीडिंग एनसीईआरटी, मेक नोट्स, इफ यू हैव मेड नोट्स सेंड मी सम पिक्चर्स, आई वुड लव टू सी देम। सॉल्व क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट यू नो वी कैन हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। आई सी यू सून, थैंक यू सो मच, टेक केयर।